हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो यार, आईपी की काउंसलिंग का जो सेकंड स्टेप होता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आज से स्टार्ट हो चुका है। तो अभी होता क्या है और ये कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहां पे आपको आईपी रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी या जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, सब कुछ मैं आप लोगों को टाइम पे बताता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार देखो, जब आप आईपीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, इसका रजिस्ट्रेशन करना और पेमेंट करना। तो जब आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए और उसका पेमेंट कर देते हैं, तो उसके बाद फिर स्टार्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये प्रोसेस पूरा ऑनलाइन होता है। अब इसमें करना क्या होता है, तो इसमें आपको वेबसाइट पे जाना होगा। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा वेरिफिकेशन करवाने के लिए। वहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद फिर आईपीयू वाले आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, और सब कुछ अगर ठीक रहा तो वो वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पे कोई गलती पाई गई, आपका डॉक्यूमेंट वहां पे सही नहीं है, कुछ भी वहां पे प्रॉब्लम आती है, तो आईपीयू आपको कांटेक्ट करेगा। वो लोग आपको मेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। वो लोग आपको बताएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये गलती है, इसको ऐसे करके अपलोड करो। फिर आप उसके हिसाब से वहां पे अपलोड करोगे, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, ये सभी बच्चों को नहीं करवाना। जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये उनको करवाना है। चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, कश्मीरी माइग्रेंट, जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, आपका आर्मी, तो इस तरह की जो भी कैटेगरीज आती हैं, ये सिर्फ उन बच्चों को करवाना है। और आपका जो वेरिफिकेशन है, ये आज से स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा आपका 12 जुलाई तक। तो उससे पहले पहले आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में।